आप करण प्रसाद के रिश्तेदार बोल रही हैं? जी जी, उनकी अस्थियाँ हमारे पास हैं, आप आकर ले जाइए। क्या क्या कहा आपने? जी, हमने बहुत वेट करने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया है, आप उनकी अस्थियाँ ले जाइए। नीचे क्यों फेंक दिया? किसका फोन था? हॉस्पिटल से, करण की अस्थियां। आपका कौन है? कौन है आप? सॉरी, जो पहले हमने फोन किया था वो गलत था। जिनकी अस्थियाँ हमारे पास है वो करण प्रसाद नहीं, करण हरि प्रसाद है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई आपसे? इसे आप मामूली गलती कहते हैं? आप जानते हैं इस गलती की वजह से किसी की जान जा सकती है, किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है। आप जानते हैं मेरी पत्नी पे क्या बीत रही है आपकी इस गलती की वजह से? सॉरी सर। पापा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा करण, तुम्हारा करण, विश्वास करो मुझ पे। और अगर मेरी अस्थियां हॉस्पिटल में है तो मैं क्या करण का भूत हूं? ये कारपेट हटा दो, इसकी जगह नया कारपेट डाल दो, पुराने पे पैर फिसलता है। जी मैडम, अभी बदली कर। राजू जी, मैंने ड्राई फ्रूट्स मंगवाए थे, आ गए ना? जी हाँ। आभा के लिए लड्डू बनाने हैं, जरा जल्दी तैयारी करो। जाओ जी। अच्छा शैली बेटा। जी बेटा, डॉक्टर ने आभा को आराम करने के लिए कहा है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक किचन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? अरे हाँ, थोड़ी देर के बाद किचन में आ जाना, मेरे हाथ बटाने। पहले साभा को कम इंपॉर्टेंस मिलती थी, जो अभी ये चोचले भी शुरू हो गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए, मतलब इस आभा के वापस आने पर मुझे खुशखबरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन लेकिन सारी खुशी इसे मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे आभा माँ क्या बनने वाली है, सब लोग इसे और ज्यादा प्यार करने लगे। उसकी ये खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं उसकी ये खुशी मिटा दूंगी। आभा, कहाँ जाने की तैयारी? भाभी, वो माँ ने घर में पूजा रखी है ना बच्चे के लिए, नहीं जा रहे। अरे आभा, बेटा वो तेरा पति करण कहाँ है? बस आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये ले आती।
हे भगवान। करण में कितना प्यार है ना। तुम जानती हो इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हें करण के लिए रोते देखा। इसलिए इसने पट्टी नहीं उतारने दी शायद। करण, अरे करण सुन तो, अब तेरा हाथ बहुत जल गया रहेगा ना, दिखा ना। नहीं मैं देख लूँगा, डोंट वरी। अरे दिखा ना। नहीं नहीं, I'll look after it. करण, मैं बदल लूँगा, सॉरी। ठीक है? हाँ भैया, सॉरी। करण वो मिस्टर शर्मा का फोन आया था, वो किसी केस के बारे में बात कर रहे थे, उनकी फाइल हाई कोर्ट पहुंची है। फोन आ रहा था? नहीं नहीं, एक फ्रेंड का फोन है, वैसे ही बार बार फोन कर रहे हैं। उठा लेना। नहीं भैया, ऐसी जो भी, मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर सच क्या है, तुम करण हो या सिड। आभा, करण, बेटा नाश्ता करके जाओ, इधर आओ। नहीं माँ, वो पूजा के लिए देर हो जाएगी। बेटा मेरी समदन जी से बात हुई है, उन्होंने कहा पंडित जी ने शाम का मुहूर्त दिया है, शाम को चले जाना, बैठो। ठीक है। आभा, तुम्हें वक्त पे खाना खाना चाहिए बेटा, दवाई खानी है ना, बैठो। आंटी जी आप बैठिए ना,
नाश्ता ले आई आभा और करण के। ये ले आभा, जैसे डॉक्टर ने बोला था बिल्कुल वैसा नाश्ता लाई हूँ तेरे लिए। फिकर मत करा, आंटी जी ने खुद बनाया है। थैंक यू। बेटा ये इसने तेरे लिए बहुत प्यार से बनाया है। और सिर्फ तुझे याद है ना कॉलेज में तुझे कड़ी चावल कितने पसंद थे, तो आज मैंने खास तेरे लिए कड़ी चावल बनाए। खाना बस। थैंक यू। अगर एक चम्मच इस कड़ी चावल का खाने के बाद तुमने उल्टी ना की तो मैं मानूंगी तुम सिद्ध नहीं करण ही। अब खाना। क्या हुआ? उल्टी हो जाएगी। नहीं अच्छा है, लेकिन मिर्ची खा ली मैंने बाय मिस्टेक। काफी टेस्टी है। थैंक यू। अब ठीक है ना? हाँ, काफी टेस्टी है, तुम खा के देखो। वेरी गुड। थैंक यू। अब मैं रूम में कुछ भूल जाऊँ, जरा लेके आता। शरी बेटा, कुछ तो है जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है पर दिख नहीं रहा। तूने देखा कैसे उसने जबरदस्ती करण को खिलाया? नहीं। हाँ, और जब वो खांसने लगा तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे इसी चीज का इंतजार कर रही हो। कुछ तो है। श्याम जी। मैडम ये कहाँ लेकर जा रहे? मैडम वो करण भैया को उल्टी हो रही थी इसलिए नींबू पानी और ये दवाई लेके जा रहा हूँ उनके लिए। हमें दो, हम ले जाएंगे। तुम जाओ। जी मैडम। अरे मासी, ये नौकरों वाले काम क्यों? क्या करने वाली हैं? बेटा इंसान कितना भी बड़ा बेरुखिया क्यों ना हो, कुछ काम ऐसे होते हैं इंसान नाटक में भी नहीं कर सकता। अच्छा अब कैसा लग रहा है? चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ी सी घबराहट होगी। दवाई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अरे करण बेटा, कैसी बातें करते हो? हाँ, कड़ी चावल खाकर अगर उल्टियां करोगे तो चिंता बीवी नहीं करेगी तो क्या वो करिश्मा करेगी? सॉरी। मजाक कर रही थी बेटा। आभा बेटा, तूने आज सिंदूर नहीं लगाया? अभी लगा देते। आभा मैं ले आती।
तुम्हें क्यों नहीं भर देते आभा की मांग? मुझे तुम्हारी खुद की बीवी की मांग भरने को कह रही हूँ। अब एक मिनट पकड़ना, मैं ये फोन ले लेता हूँ, प्लीज। हेलो जी। जी कमाल है भाई, ऐसा कितना खास फोन था जो करण एक मिनट भी नहीं रुक सका। मुझे तो लगता है जैसे करण मांग भरना ही नहीं चाहता था। बेटा शैली, जितना मैं करण को जानती हूँ, वो आभा के लिए एक फोन तो क्या कुछ भी छोड़ सकता है। नहीं आभा, तुम्हें नहीं लगता आजकल करण कुछ पतला पतला सा लग रहा है? कभी नहीं हुआ कि आपने हमसे ज्यादा किसी और चीज पे ध्यान दिया, तो अब क्यों? अब तक शक गया नहीं तुम्हारा? कोई बात नहीं, मैं अगर ये फोन कॉल नहीं लेता तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होती। मैंने तुम्हें बताया नहीं आभा, लेकिन मुंबई में मुझे सिद्धार्थ मिला था हॉस्पिटल। सिद्धार्थ जी? दुष्यंत ने उसे करण समझ के हमला कर दिया उस पर, तो बेचारा हॉस्पिटल में था। तो अब कैसे है वो और कहाँ? ठीक है, कभी बात कर लो। हाँ। तसल्ली हो जाएगी। हेलो सिद्धार्थ जी। क्या करण आ गया ना वापस? अभी भी रोती है क्या? नहीं, कैसे हैं आप? मस्त सिद्धार्थ। वैसे सिद्धार्थ, आभा को यकीन हो नहीं रहा है कि मैं करण हूँ, उसे लग रहा है कि मैं सिद्धार्थ। नहीं नहीं सिद्धार्थ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप जब ठीक हो जाएं तो जरूर एक बार घर आइएगा सिद्धार्थ बनके। ठीक है, चल। तबीयत का ख्याल रखिएगा। हाँ।